हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अपना कस्टम यूआरएल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और उसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपके जो चैनल है उस पर 100 सब्सक्राइब कंप्लीट होने चाहिए, मतलब 100 सब्सक्राइब कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही आप अपना कस्टम यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, कस्टम यूआरएल की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। अगर आप कस्टम यूआरएल क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, जैसे आपका कोई फ्रेंड है आपसे, आप बोलता है कि आपका चैनल है तो आप उसका मुझे लिंक सेंड कर दो। तो आप जब लिंक सेंड करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो यूआरएल होता है उसमें www.youtube.com/ जो भी चैनल का नाम है वो होना चाहिए, लेकिन उसमें वो नहीं होता है। तो वो जो यूआरएल होता है तो वहाँ पर जो जैसे कि www.youtube.com/ जो भी चैनल का आगे नाम आता है, जैसे कि ABCD8XYZ कुछ भी आता है, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो फ्रेंड है उसने लिंक तो मांगा है लेकिन वो लिंक के जरिए चले जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप किसी को सेंड करते हैं या बताते हैं अपना चैनल कि आप ऐसे खोल लेना, तो वो चैनल नहीं खुल पाएगा, क्योंकि कस्टम यूआरएल जब तक आप क्रिएट नहीं करते हैं तब तक ये चीज़ संभव नहीं हो सकती। तो फ्रेंड, इसके लिए कस्टम यूआरएल चाहिए होता है। तो जैसे कि कस्टम यूआरएल क्यों चाहिए होता है, तो आप मेरा एग्जांपल ले लो, जैसे मेरे चैनल का नाम है सुमेंद्र मौर्य। तो जैसे कि यहाँ पर जो मेरा कस्टम यूआरएल क्रिएट कर रखा है, तो आप जब भी यूट्यूब पर सर्च करेंगे या गूगल पर सर्च करेंगे या आप किसी भी फ्रेंड को मैं बताऊँगा www.youtube.com/सुमेंद्र मौर्य, तो जैसे कि मैं किसी को ये टाइप करके देता हूँ सिर्फ इतना ही, या मैं किसी को बताता हूँ आप इतना टाइप कर लेना यूट्यूब पर या गूगल पर या कहीं भी आप सर्च इंजन में जहाँ भी सर्च करेंगे तो इतना टाइप कर सकते हैं आप। अगर आप यूट्यूब पे खाली सुमेंद्र मौर्य टाइप करेंगे तब भी आपका जो चैनल है, मेरा चैनल है, वो आपको मिल जाएगा। तो ये क्रिएट करने के बाद ही ये सही संभव होती है। अगर आपने यहाँ पर कस्टम यूआरएल क्रिएट नहीं किया है तो ऐसे ही प्रॉब्लम आती है, जो अभी यूआरएल सेंड करते बहुत ज़्यादा लंबा आता है और www.youtube.com/ के बाद कुछ भी आता है। अगर आप चाहते हैं आपका भी चैनल, अगर आप चाहते हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके चैनल का भी नाम कुछ कस्टम यूआरएल इस तरह का हो, जहाँ पर www.youtube.com/ आपका जो भी चैनल का नाम है वो आए। तो इसी तरह से जैसे कि मैंने अपने चैनल का क्रिएट कर रखा है, तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर अभी तक आपने कस्टम यूआरएल क्रिएट नहीं किया है तो वो आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो उसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर पर ले चलूँगा। उससे पहले फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल कलर का बटन दिया गया है, उसे दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। साथ ही फ्रेंड, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरा जो दूसरा चैनल है उसे भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप पे। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कस्टम यूआरएल कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ यूट्यूब स्टूडियो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे टाइप करेंगे इस तरह से आ जाएगा, आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है फिर, ठीक है। इस तरह से आपको पहला पेज दिखाया जाएगा यूट्यूब स्टूडियो, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो ईमेल आईडी है तो लॉगिन होगी, तो ठीक है, नहीं है तो लॉगिन कर लीजिएगा, आप आईडी पासवर्ड मांगेगा। इसके बाद फिर आप अपने यूट्यूब के स्टूडियो पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपका जो चैनल है इस तरह से आपको लॉगिन दिख जाएगा और यहाँ पर भी आपका लोगो आ जाएगा। उसके बाद आपको फ्रेंड क्या करना है, इस तरह से आपको इंटरफेस दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन कस्टमाइजेशन का मिल जाएगा, तो फ्रेंड आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पर कुछ इस तरह से ये खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बेसिक इन्फो का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ी से नीचे की तरफ आना है, स्क्रॉल करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा चैनल यूआरएल। तो यहाँ पर जब ये चीज़ दिखेगा तो यहाँ पर आपको जो अपने चैनल का यहाँ पर कस्टम यूआरएल जो अभी क्रिएट नहीं हुआ है, वो अभी आपको इस तरह से अपने चैनल का लिंक दिख जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं अपने। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पर www.youtube.com/ यहाँ पर आपको जो भी XYZ यहाँ पर आ रहा है UC BY, तो इस तरह से आ रहा है, पर यहाँ पर आपका नाम आना चाहिए। तो आज हम वही करने वाले हैं, यहाँ पर इस चैनल का कस्टम यूआरएल क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद आपका नाम जब आ जाएगा, उसके बाद बहुत ही आसान हो जाएगा आपको अपने चैनल का सर्च करना है, आप कोई भी आपके चैनल को सर्च करेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर नीचे की तरफ सेट ए कस्टम यूआरएल फॉर योर चैनल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ इस तरह से यहाँ पर खुल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो पहले आपका लिंक था कुछ इस तरह से, अब यहाँ पर इस तरह से दिखा रहा है www.youtube.com यहाँ पर /c/technical-gyan। तो फ्रेंड यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहा है, तो अब आपका जो कस्टम यूआरएल है अब यहाँ पर क्रिएट होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर आपके चैनल का जो नाम है उसके नाम के जैसा सेम अगर किसी ने और कस्टमर यूआरएल ले रखा है, तो यहाँ पर आपको लेटर वगैरह या कोई नंबर ऐड करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक कर देते हैं और डायरेक्ट पब्लिश कर देते। तो अभी यहाँ पर हमें कोई नंबर वगैरह ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि यहाँ पर ऐड हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ पर एक कर रहा हूँ तो एक यहाँ से नहीं ले रहा है, यहाँ पर रेड हो जा रहा है, या कुछ ऐसा नंबर मांग रहा है जो कि यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर सके। तो मैं कुछ ऐसा यहाँ पर ले लेता हूँ
तो यहाँ पर कोई बर्ड वगैरह ले लेता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक बर्ड ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर ग्रीन हो गया। तो इसका मतलब ये हमें URL मिल जाएगा और यहाँ पर आपको पब्लिश का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर बैक करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ एक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको पब्लिश का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये रेड हो जा रहा है जो दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बर्ड देना पड़ेगा जो कि ग्रीन हो जाए, उसके बाद यहाँ पर ये ब्लू हो जाए और यहाँ पर आपको ग्रीन दिखाई दे कस्टम URL, तभी आपका यहाँ पर एक्सेप्ट हो पाएगा। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा इसने ग्रीन हो चुका है, अब इसके बाद हम इसे पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो उससे पहले आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कन्फर्म कस्टम URL। अगर आपने जो URL लिया है कि आपको वो सही लग रहा है, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो कैंसिल कर लीजिए, नहीं है तो आप कन्फर्म कर लीजिए। तो आपको इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो आपका कस्टम URL है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे कॉपी कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो मेरा कस्टम URL यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, तो उसे हम पहले चेक करेंगे। आप चाहें इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जब मैं इसे चेक कर लेता हूँ ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर आप डायरेक्ट कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको एक न्यू टैब ले लेना है ऊपर की तरफ, और न्यू टैब लेने के बाद वहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप चेक करेंगे, तो यहाँ पर एंटर दबाएंगे तो देखिए, तो ये जो कस्टम URL हमारा बना है, तो यहाँ पर आपको पहचान के लिए क्या है, youtube.com/ यहाँ पर टेक्निकल ज्ञान ऊपर आ रहा है देखिए। तो इसके बाद यहाँ पर इसने ले लिया, डायरेक्ट आप अपने चैनल पर आ जाएंगे इस तरह से फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये कस्टम URL बन चुका है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर कुछ और तरीके से भी ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके ही सिर्फ खोला है या हम टाइप करेंगे तो वो भी काम करेगा। तो जल्दी से हम यहाँ पर टाइप करके देख लेते हैं, www.youtube.com। अब मैं डायरेक्ट यहाँ सील लगा के नहीं, डायरेक्ट स्लैश लगा के डायरेक्ट अपने चैनल का नाम डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐसे नाम डाल दिया मैंने और डायरेक्ट मैं एंटर करता हूँ, तो क्या खुल रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से भी यहाँ पर एक फ़र्क कर रहा है, और डायरेक्ट आप टाइप भी करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये फ़र्क है। यहाँ पर आपको सब मैंने स्मॉल में टाइप किया है, youtube.com, यहाँ /c भी नहीं लगाया, और यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर /c भी लगाया टेक्निकल ज्ञान। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी चाहें यहाँ पर किसी को टाइप करके दे सकते हैं, तब भी खुल जाएगा, और इस तरह से चाहें तो भी आप कॉपी करके यहाँ पर जो लिंक है उन्हें सेंड कर सकते हैं। तो जैसे फ्रेंड आपने देखा है यहाँ पर हमने कस्टम URL क्रिएट कर लिया है, तो इस तरह से ये वर्क भी कर रहा है। तो आप इसी तरह से यहाँ पर कस्टम URL अपना क्रिएट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन पर मिल जाएगा, और बेसिक इन्फो में जाके आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसे यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर जरूर कर लीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।